हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू मेरी किचन। आप सभी का स्वागत है मेरी किचन में। आज हम बनाएंगे साउथ इंडियन डिश मेदू वड़ा। इसके लिए चाहिए हमें 1 कप उड़द की दाल, जिसे मैंने रात भर पानी में भिगो कर रखा था। आप चाहे तो इसे 3-4 घंटे भी भिगो सकते हैं। 1.5 चम्मच चावल का आटा, 3 मिर्च इस तरह टुकड़ों में, कुछ पत्ते करी पत्ते, 5 काजू, थोड़े से अदरक, या मैंने यहाँ पे 1 इंच अदरक को अच्छे से काट लिया है, आधा छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, और मेदू वड़ा को तलने के लिए रिफाइंड ऑयल। तो आइए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेंगे हम एक मिक्सर ग्राइंडर और हम डाल देते हैं इसमें वो दाल को। अब डाल देंगे हम इसमें ये हरी मिर्च। हरी मिर्च को हम थोड़ा सा और तोड़ लेते हैं और इसे भी डाल। अब डाल देंगे हम इसमें ये अदरक, काजू, करी पत्ता, और हम इसका एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। हमें इसे बिना पानी का पीसना है, तो मैंने इसे पीस लिया है। मैंने करीब यहाँ पे 1 चम्मच पानी का यूज़ किया है। हम निकाल लेंगे इसे एक बर्तन में, तो मैंने इसे ट्रांसफ़र कर लिया है एक बोल में। हम डाल देंगे इसमें बेकिंग पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, और इसे हम अपने हाथों से करीब 5 से 7 मिनट के लिए फेंट लेंगे। तो मैंने इसे अच्छे से फेंट लिया है। हम ले लेंगे 1 कटोरी में थोड़ा सा पानी और हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा बैटर, और हमारा बैटर तैयार कर ऊपर आता है। तो हमारा बैटर अब तैयार है, तो हमने इसे अच्छे से फेंट लिया है। हम ले लेंगे बैटर को, डाल लेंगे इसमें हम ये चावल का आटा, और इसे हम मिक्स कर लेते हैं। हमारा बैटर तैयार है, हम इसको रख देंगे साइड में रेस्ट करने के लिए। हम गरम कर लेते हैं तलने के लिए तेल को, तो मैंने यहाँ पे रख दिया इसे गर्म होने के लिए। तेल हमारा गरम हो चुका है। हम बनाएंगे अब मेदू बड़ा को। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा तेल लगा लेंगे अपने हाथों पे और इस तरह से इसका हम बॉल बनाएंगे, और इसे हम बीच में गड्ढा करते हुए इसे तलने के लिए डाल देंगे। इधर सारे हम मेदू बड़ा को बना लेते हैं। मैंने मेदू बड़ा बनाकर डाल दिए हैं तलने के लिए। हम इसे मीडियम फ्लेम पे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। इस तरह से हम सारे मेदू वड़ा को बना लेते हैं। अब देख सकते हैं हमारा मेदू वड़ा कलर कितने अच्छे से आ गया है। हम इसे अच्छे से तल लेंगे। तो हमने फ्राई कर लिया है मेदू वड़ा को। हम इसे निकाल लेते हैं एक टिश्यू पेपर पे। आप भी ट्राई कीजिए मेरी इस रेसिपी को, और प्लीज़ कमेंट कर बताइए आपको ये मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।